वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड यूनिट दैट इज ई कॉमर्स. एज आई एक्सप्लेन इन द लास्ट वीडियो सेशन दैट हमारा जो पहला यूनिट है वो ऑन द प्रैक्टिकल बेस है, जो हम प्रैक्टिकल या फिर प्रोग्राम्स लेके धीरे धीरे ले रहे हैं. सेकंड यूनिट जो है वो थोड़ा थियोरेटिकल बेस है, इसलिए मैं आपसे उस यूनिट के सेकंड यूनिट के कुछ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, कुछ लेक्चर शेयर कर रहा हूँ. तो सेकंड यूनिट जो है हमारा वो है ई कॉमर्स. ई कॉमर्स का मतलब ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस. तो आपको थोड़ा उसकी पार्श्वभूमि बता दूं कि ई कॉमर्स क्या है, ई गवर्नेंस क्या है. तो हमने देखा होगा कि आज अब बहुत सारी चीज़ें जो है, जो गुड्स एंड सर्विसेज, स्पेशली गुड्स, अब जो है वो ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन सेल्स कर रहे हैं. आपने देखा होगा कि अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट और ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो आपको आपके घर तक कोई भी चीज़ पहुंचा दे रही है. व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ ई कॉमर्स. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड पे कोई भी चीज़ की देवान घेवान अगर कर रहे हैं, कोई भी चीज़ परचेस एंड सेल्स कर रहे हैं, तो उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं. तो डेफिनेटली ई कॉमर्स जब ये वर्ड हमारे माइंड में आता है तो हम क्या सोचते हैं कि ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. तो इलेक्ट्रॉनिक पे या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड पे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं. इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है. इसकी जो मेन कंसेप्ट है वो भी हम देखेंगे. फिर हम देखेंगे कि ये ई कॉमर्स का ट्रेड साइकिल क्या है. फिर ई कॉमर्स में जब हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो इसके बहुत सारे पेमेंट मोड्स है, यू नो वेल, बहुत सारे पेमेंट्स मोड है, जैसे कि कार्ड से है, फिर COD है, कैश ऑन डिलीवरी है, या फिर आप बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर इसके बाद भी भीम ऐप है, पेटीएम है, फ़ोन पे है, गूगल पे है, ये बहुत सारे ऐप हैं. तो ये इस ऐप का भी हमें इस यूनिट में स्टडी करनी है. फिर कुछ कॉमन फॉर्म्स है ई कॉमर्स के, जैसे कि B2B है, G2E है, फिर B2E है, यानी गवर्नमेंट से कस्टमर है, कस्टमर से कस्टमर है, फिर है कि आप B2B बिजनेस टू बिजनेस है, फिर बिजनेस टू कस्टमर है. ये बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ये हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. ओके, फिर हम देखेंगे EDI, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. EDI दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इसका मतलब क्या होता है कि हम जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, हम जो भी परचेस कर रहे हैं, हम जो भी सेल्स कर रहे हैं, या फिर हम जो भी डिमांड कर रहे हैं, या फिर हम जो भी किसी को सप्लाई कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है, ये सभी चीज़ें जिस द्वारा हम कर रहे हैं, जिस द्वारा कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो है EDI, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डेटा. इलेक्ट्रॉनिक डेटा, और हम उसको क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, दैट इज़ कॉल्ड इंटरचेंज. इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा हमारे इस यूनिट का, दैट इज़ EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. फिर कंसेप्ट आएगी कि ई गवर्नेंस कंसेप्ट, एडवांटेजेस एंड टाइप्स. ई गवर्नेंस कंसेप्ट, बहुत सारी ई गवर्नेंस कंसेप्ट है. ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज जो है, गवर्नमेंट की बहुत सारे जो ये है ट्रांजैक्शंस हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे जो स्कीम्स होते हैं, उन सभी स्कीम्स को, उन सभी पॉलिसीज़ को हम इलेक्ट्रॉनिकली अगर रिस्पॉन्ड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली अप्रोच करते हैं, तो वो होता है ई गवर्नेंस. बहुत सारी कंसेप्ट है जो ई गवर्नेंस पे डिपेंड है. मैं आपको रिसेंटली एक एग्जांपल बोलूँगा कि अगर आप पेई है, यानी स्कॉलरशिप आपको अगर मिलती है, तो आप देखो, या फिर ग्रेजुएशन में जब आप जाएंगे तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे, तो स्कॉलरशिप का जैसे आप फॉर्म भरते हैं, आपको DBT मिलता है. DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र. तो गवर्नमेंट GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, आपका जो भी उसमें पार्ट है, आपका जो भी हिस्सा है, आपका जो भी मेंटेनेंस है, वो क्या करेगा, आपको सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा. दैट इज़ DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, दैट कॉल्ड ई गवर्नेंस. अगर गवर्नमेंट के साथ आपका अप्रोच है, गवर्नमेंट के साथ आपका ट्रांजेक्शन है, तो जिस मोड पर गवर्नमेंट आपको अप्रोच कर रही है या फिर रिस्पॉन्ड कर रही है और आप उससे फ़ायदा ले रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ई गवर्नेंस. बहुत सारी कंसेप्ट है ई गवर्नेंस में, आगे जाके हम इसको एलेबोरेटली एक्सप्लेन करेंगे. और फिर देखेंगे कि इन सब के ऊपर कुछ सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए, कुछ क्या बोलेंगे कि उसको सिक्योरिटी होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए. तो इस सुरक्षा के लिए कुछ इंतज़ाम होने चाहिए. तो ये क्या होंगे, देखो आप,
कि आप जब भी आपका पेटीएम ओपन करेंगे या फिर फ़ोनपे ओपन करेंगे तो आपने कोई पैटर्न दिया होगा या फिर कोई पासवर्ड दिया होगा, तो सेम ये जो पासवर्ड होता है ये क्या होता है, ये होता है इनक्रिप्टेड की होती है, यानी कोडिंग होता है, या फिर आपने जो भी पैटर्न दिया है वो भी इनक्रिप्टेड होता है, जो आपको ही मालूम होता है, या फिर वो हार्ड होता है, किसी को ईजीली ओपन नहीं हो जाएगा वो। तो ये क्या है, ये है सिक्योरिटी मेजर्स। इसके अलावा जो आपने इसको ये किया है, प्रिवेंट किया है, इसके अलावा कुछ स्कीम जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड दे रहा है। तो इस मोड के जो सिक्योरिटी मेजर्स है वो क्या है वो भी हम देखेंगे इस यूनिट में। तो स्टार्ट करते हैं हम ई कॉमर्स की कंसेप्ट से।